ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दुनिया के सबसे बड़े ब्राज़ील के जंगल अमेजन में पिछले एक दशक में पहली बार इतनी भयानक आग लगी है। ये आग इतनी भयानक है कि अब दुनिया भर में इस आग को लेकर चिंता जताई जा रही है। दुनिया को 20% ऑक्सीजन देने वाला ये जंगल पूरी तरह से आग की चपेट में है। लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। इस आग को बुझाने में अमेरिका भी मदद कर रहा है। ब्राज़ील ने आग बुझाने के लिए सेना को भी भेज दिया है। हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाई जा रही है। बताया जा रहा है कि ब्राज़ील के अमेजन में 10 साल में इतनी बड़ी आग लगी है और इस आग से ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से में स्थित रोरेमा, एक्रे, रोडोनिया, पास माटो ग्रोसो और अमेजोनास बुरी तरह से ये राज्य प्रभावित हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से ये आग लगी हुई है। आग में हजारों एकड़ जंगल जलकर राख हो गए हैं। आपको बता दें, ब्राज़ील के अमेजन में ये आग लगी थी, लेकिन बोलिविया के अमेजन में भी फैल गई है। अमेजन जंगल 60% ब्राज़ील में पड़ता है। वहीं इस भयानक आग की तस्वीरें आसमान से भी ली गई हैं। नासा ने इस तस्वीर को भी जारी किया है, जिसमें नारंगी रंग में दिखने वाली जो बिंदुएं हैं वे अमेजन के जंगल में लगी हुई आग है। अब इस आग को बुझाने के लिए सुपर टैंक बोइंग 747 विमान को भी भेजा जा रहा है। साथ ही अब इस आग की जहरीली धुआं आसपास में भी फैल रही है, जिसके लिए आसपास के इलाकों को भी खाली करा दिया गया है और पर्यावरण को लेकर भी पूरे देश में चिंता जताई जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।